चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए जिन्हें मन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और साथ में लाइक और कमेंट्स करना ना भूल इस वीडियो को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं हेमंत पटेल, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और अरे साथ एक मेरा बहुत पुराना और हेलो कैसे हो। हाँ तो ये है अविनाश पटेल और ये मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाके पहुँचना चाहता हूँ, इनसे बात करते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। तो ये है मेरा दोस्त हेमंत पटेल और ये मुझे काफ़ी टाइम से मतलब उससे मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन आज मुलाकात हो गई। तो हम लोग ने मैंने उसे बोला कि मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ मतलब जानना चाहता हूँ कि आप मतलब क्या इंटरेस्ट रखते हो लाइफ में। तो उसके रिगार्डिंग इसको आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी लाइफ को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को अंत तक देख लेना तो हेमंत पटेल के बारे में भी आपको पता चल जाएगा और उसकी चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना तो उसको जो फ्यूचर में जो भी इंटरेस्ट है वैसा आपका इंटरेस्ट रहेगा, राइट। तो हेमंत भाई, मैं आपको पहला तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन कौन हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब के बारे में मुझे आपका फैंस के बारे में जानना है पहली बात। अगर फेवरेट यूट्यूबर की बात आती है तो सबसे पहला तो आपकी इमेज मेरे सामने आती है, अविनाश पटेल मेरा फेवरेट यूट्यूबर है और उसके अलावा संदीप माहेश्वरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और विवेक बिंद्रा है, स्नेह देसाई करके है और एक पोएटर भी है कुमार विश्वास करके, उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो यूट्यूब में तो मैं ज़्यादातर मेरा टाइम स्पेंड यूट्यूब में रहता है तो यूट्यूब में बहुत सारे फेवरेट्स है। तो मेरा अगला क्वेश्चन तो ये है कि मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि लाइफ में बिजनेस और जॉब दोनों कोई भी करता है लेकिन बिजनेस और जॉब में आपके पास इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप मुझे बताओ कि लाइफ में जॉब और बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस है और क्या परेशानी आती है। जॉब और बिजनेस का सवाल जहाँ तक है तो मैंने दोनों में एक्सपीरियंस अच्छा खासा लिया हुआ है। सबसे पहले 12th के बाद अगर मैंने जॉब की थी तो वो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिलवासा में। तो जो गवर्नमेंट जॉब में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और उसके बाद कॉलेज स्टार्ट की थी तो वो जॉब को फिर मेरे को रिज़ाइन देना पड़ा। तो उसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया वो बिज़नेस लाइन, बिज़नेस प्राइवेट सेक्टर में अभी हाल बहरहाल तो मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में बिज़नेस कोई क्रिएट कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और बिज़नेस में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट भी है क्योंकि जॉब और बिजनेस में दोनों में से किसी को भी एक सिलेक्ट करना होगा तो ज़्यादातर बिजनेस ही पसंद करेंगे क्योंकि कोई भी किसी के नीचे दबकर नहीं रहना चाहता, वो हर कोई फ्री लाइफ पसंद करता है। तो मैं भी फ्री रहना चाहता हूँ तो जॉब कोई अच्छा खासा होगा तो इन फ्यूचर देखेंगे। आप लोग ने ये बातें तो जान ली हेमंत पटेल से, मैंने भी जान ली। अभी मैं क्या हेमंत भाई को पूछना चाहता हूँ कि आपको आपने मतलब आप मोटिवेशन के बारे में मतलब मोटिवेट दूसरों को करने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो क्योंकि आपने खुद भी मोटिवेशन के बारे में बहुत सारा नॉलेज लिया है, राइट। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आप को मतलब कौन सा मतलब बुक्स पसंद है मोटिवेशन वाले। मोटिवेशन बुक्स में तो बहुत सारी है लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है वो द सीक्रेट करके बुक है और उनकी मूवी भी है जो मैंने देखी हुई है, उसका मेरी लाइफ के पे काफ़ी असर हुआ है और काफ़ी इंस्पायर करती है मेरे को। उसमें बहुत सारी बातें जो हम लोग सोचते हैं वो रियलिटी में बदल जाता है वगैरह, तो ये जो बातें वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करती है सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ। अभी सक्सेस हुआ हूँ ये तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन इन फ्यूचर सक्सेस हो सकता हूँ। कि आपको आपका जो फेवरेट प्लेस है
वो कौन सा है, आप मतलब कौन से प्लेस को ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर फेवरेट प्लेस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वैसे प्लेस में तो मैं बहुत सारी जगह पे घूम चुका हूँ और मुझे शौक़ भी बहुत है नई नई जगह पे घूमने के। ना फेवरेट प्लेस की अगर बात किया जाए तो मेरा गांव सबसे बेस्ट प्लेस है। हाल तो मैं सिलवासा में हूँ लेकिन मेरा गांव जो है वलसाड सिटी में एक छोटा सा गांव है, वेलवाच करके गांव है, उसमें बहुत सारी झाड़ी जंगल से घिरा हुआ है वो गांव। और मेरे गांव के गांव में जो है एक साइड जो है वो महालक्ष्मी का मंदिर है, दूसरे साइड राधा कृष्ण का है और एक साइड भवानी माता का है, एक साइड महादेव का है। तो मंदिरों से भी बहुत सा घिरा हुआ है गांव है और जंगल में गांव बसा हुआ है और अभी तो बहुत सारा डेवलपिंग हो रहा है, तो गांव के बारे में तो क्या बोलूँ। अभी कभी ऐसा चांस मिला तो मैं आपको वीडियो बनाकर आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर शेयर ज़रूर करूँगा। अच्छा गाँव है, कभी विज़िट करना। मैं भी आपका गांव की विजिट लेने का एक्सपेक्ट रखता हूं क्योंकि हम लोग भी थोड़ा आपके गांव से दूर रहते हैं, लेकिन मैं भी विज़िट करूंगा। और मैं अभी आगे आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं रखते हो, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, ज़्यादातर यंगस्टर जो है वो दूर रहना चाहता है। मुझे भी खास इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर गांव को आगे बढ़ाना है, सिटी को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे लेके जाना है तो ज़्यादातर पॉलिटिक्स का हाथ रहता है। तो वैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर इसमें अपना सहयोग दूंगा और वो भी मेरे से इम्प्रूवमेंट हो सके गाँव में या कुछ भी बेनिफिट करवा सकूँ गाँव के किसी भी लोगों का। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो ज़रूर है और देखते हैं आगे का फ्यूचर कैसा होता है। ओके, तो मेरा यही फाइनल क्वेश्चन था, इसमें से कुछ तो मैं सीखा हूँ आपसे, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसको भी इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मैं हेमंत पटेल की मेरे साथ मुलाकात। तो हेमंत पटेल की जो चैनल है जिन हेमंत, उस पर आप लोग नए हो तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, और मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ जो हेमंत पटेल बनाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग वेट करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।